मुझे बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि जो हम ऐसे स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें जो ब्रेकआउट देने वाले हैं, ना कि वो स्टॉक जिन्होंने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है। तो बेसिकली उनके लिए आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो लास्ट अपने दो से तीन दिन के हाई पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल डे वन का हाई 100 है, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट दो या तीन दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं और क्लोजिंग देते हैं यहाँ पे ऑन लेट्स से सेकंड डे और द थर्ड डे। तो क्या होगा, फोर्थ डे में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि अपसाइड ब्रेकआउट देगा। उसी तरह अगर कोई स्टॉक अपने पिछले तीन चार दिन के लो पे ट्रेड करता है और वहीं पे क्लोजिंग देता है, तो चांसेस हाई है कि हमें बहुत जल्दी ब्रेकडाउन देगा और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देगा। और इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक स्कैनर है जो हमें एवरी डे आफ्टर मार्केट आवर्स ऐसे स्टॉक्स हमें शॉर्टलिस्ट करके दे देता है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो बेसिकली आपको गूगल पे टाइप करना है स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर टू डे हाई फॉर अपसाइड ब्रेकआउट, स्टॉक ट्रेडिंग नियर टू डे लो फॉर डाउनसाइड ब्रेकआउट, और आपको चार्टिंग को भी मेंशन करना है। और फिर आपको ये दो स्क्रीन मिल जाएंगे, समथिंग लाइक ट्रेडिंग नियर टू डेज हाई एंड ट्रेडिंग नियर टू डेज लो। अब हम चल के देखते हैं ये कैसे स्टॉक्स है। फॉर एग्जांपल ग्लेनमार्क और क्रॉम्पटन ग्रीव्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ग्लेनमार्क अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने वाला है और ग्लेनमार्क अपने लास्ट दो या तीन दिन के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमें यहाँ पे एक डबल बॉटम के साथ एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम दिख सकती है।